आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। लेकिन आलू तो आप रोज़ खाते होंगे, लेकिन जो ये सब्जी मैं आपके लिए लाई हूँ वो सुपर टेस्टी लाजवाब है, जिसके खाने के बाद आपको पनीर की सब्जी भी फीकी लगेगी। तो आप हफ्ते में 6 दिन यही बनाना पसंद करोगे। सुपर टेस्टी डिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आधी कटोरी चने की दाल, जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, और साथ में 2 आलू जो छिलके मैंने रख दिए हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। डालूंगी 2 हरी मिर्च को, और अब इन सबको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो मैंने इन सबको हम मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे यह पीस लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच के लगभग नमक डालकर और आधी चम्मच इसमें हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इनको अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर जो मैंने इसमें कट लगा के बीच से काट दिया था ताकि छिलका जल्दी निकल जाए। इसके बाद मैंने एक प्याज, बड़ा सा प्याज लिया है, और बीच में से इसको भी काट दिया है ताकि जल्दी से पक जाए। अब मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, काली मिर्च व लौंग, वो इसको डाल के ऊपर से एक प्लेट से हम ढक लेंगे, और जो आलू को पीस के तैयार किया हुआ था ना हमने, वो मसाला प्लेट में डालकर अच्छे से इसको फैला देंगे, और ऊपर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर अच्छे से फैला देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये फैला दिया है, और ढक्कन की मदद से इसको 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और अब 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखो ये मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो मसाले भी अब ठंडे हो चुके हैं। तो इनको भी हम मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। इनको ठंडे होने के बाद मैंने इनको अच्छा सा पेस्ट बना दिया है। अब हम जो हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं, जो आलू का ये मसाला लगा बनाया था, तो हम इसको अपने मनचाहे शेप में इसको काट लेंगे। मैं इसको ऐसे ऐसे में काट रही हूँ, फिर इनके पीसेस को इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजी निकल जाते हैं दोस्तों। एक बार इस तरह से आलू की सब्जी ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने एक कढ़ाई लेंगे, तो इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने पर साबुत जीरा आधी चम्मच, और इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेथी ऐसे क्रश करके डाल देंगे, और जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था उस मसाले को भी डाल के अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स। ये पूरा पेस्ट डाल के इसको अच्छे से हम चलाएंगे, और मिक्स करके के बाद इसको आधी चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी, आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको डाल के अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद जितना पानी चाहिए हमें इसमें, उतना पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको थोड़ा उबाल आने तक पका लेंगे। तो आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है, और जो हमने आलू के पीसेस किए हुए थे ना वो डाल देंगे, और इनको डाल के कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और 2 मिनट के लिए ढक्कन से इसे ढक देंगे। इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है, और इसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो हमारा मसाला है उन आलू के पीसेस में अच्छा से चले जाए। और 2 मिनट होने के बाद हम इसको ढक्कन को खोल देंगे। तो आलू पनीर की सब्जी, पनीर को टक्कर देने वाली सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। सच मानो, अगर आप इस तरह से आलू की सब्जी बनाओगे तो आपको पनीर की सब्जी भी फीकी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी को सुपर टेस्टी सुपर टेस्टी डिश को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए बनी है ना सुपर टेस्टी टेस्टी डिश। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो देखते रहना सोनम किशन सेन ब्लॉग।